कहाँ से होगा? नमर्द है, किसको दीजिएगा वोट? नमर्द है मोदी, तो बच्चा कहाँ से होगा करा? राहुल गांधी मोदी के हराने लगी सब जुट जाएगा, लेकिन मोदी के कोई नहीं हरा पाएगा। जनता हराएगा? नहीं, लीग के देते हैं, जनता को नहीं पता है। घर को कहे चुनती कहते हैं, इस तरफ से आलू घुसाएंगे, उन्हें से सोना नहीं निकलेगा। नहीं बुझाता है उबैल के, ही नहीं बुझाता है कि बोलना क्या। देश चलाता, एक पूरा देश उसका भाई जो विदेश में जाता था घोड़ चुके पर नाम करता है, ना मार देता था घोड़ चुके पर नाम। सुनिए बोलिए, लेकिन उम्र के हिसाब से बोलो, उम्र कितना हिसाब है? उम्र गांधी ऐसा कौन सा तीर मार लिया है? कौन बनाया है? क्या खड़ा है? कौन बनाया? राहुल गांधी कांग्रेस बनाया है? ये कांग्रेस बनाया है? हम ये पूछ रहे हैं, केरला में। सुनिए सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई साहब, पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे। अगर अगर नहीं कर रहे हैं मोदी जी, हर चीज कर रहे हैं मोदी जी, सब कुछ कर रहे हैं। किसको वोट दीजिएगा भाई? मोदी जी को। मोदी क्यों दीजिएगा? बस वही हमारे लिए तो हिंदू तो एक मुद्दा है बहुत बड़ा, जो हिंदुत्व के बहुत बड़े प्रचारक हैं मोदी जी और योगी जी, जिसे हमारे लिए और कुछ नहीं चाहिए। नहीं, इंडिया। आप किसको? जी फर्स्ट राहुल गांधी, इंडिया फर्स्ट। राहुल गांधी, नीतीश कुमार नहीं, केजरीवाल नहीं? जी जी, राहुल गांधी इज द बेस्ट लीडर इन इंडिया। वोट दीजिएगा चाचा मोदी को? मोदी जी, मोदी जी को क्यों दीजिएगा? अरे भाई बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम। क्या काम कर दिए हैं? क्यों नहीं देखे आप इंटरनेशनल स्तर पर देखिए कि पांचवा जो है अर्थव्यवस्था हमारा इंडिया का है। जब छोड़ के गए थे 10वां अर्थव्यवस्था था, और पांचवा अर्थव्यवस्था मैंने इंडिया का पूरे विश्व में है। अब क्या चाहिए आपको? क्या चाहते हैं इस बार? राहुल गांधी। राहुल गांधी, देखिए इतने बड़े भीड़ में पहली बार राहुल गांधी के सपोर्टर मिले हैं, लगातार सारे लोग मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे। ये बताइए मोदी से आपको इतनी आपत्ति क्यों है? क्या कुछ उन्होंने नहीं किया? आपत्ति नहीं है सर, प्लीज यार। नीतीश कुमार, आप नीतीश कुमार को नहीं चाहते प्रधानमंत्री बने? उससे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था ना, उसके अथी में था ना, मतलब कि पूरा जंगल राज। आज जंगल राज के बैठ के गोदी में क्या कर रहा मंगल राज? क्या कर रहा मंगल राज ने कर रहा? आरजेडी से मिल के इसलिए वोट नहीं दीजिए? इसी नहीं देंगे बिल्कुल। किसको ये कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं लगातार सब चीज? देखिए उसमें विकास होगा, ज्यादा बढ़ेगा, मतलब इंडिया नंबर वन पर आएगा। हाँ। वो अपना सोच समझ के कर रहे हैं जो भी। रोजगार के लिए मोदी जी ने क्या कुछ किया है? रोजगार के लिए अच्छा युवा को रोजगार दे रहे हैं, भारतीय सेना में अग्निवीर निकाला है, देख लीजिए। वोट दीजिएगा मोदी को? देंगे। मोदी को क्यों दीजिएगा? मोदी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग के लिए अच्छा कर ले। क्या किया ये बताइए? यहाँ देखिए अभी आप देख सकते हैं कि हम पटना जंक्शन पर मौजूद है। बता दें कि 2024 में लोकसभा का चुनाव होने वाला है, और मोदी भी एस, नीतीश कुमार भी एस, राहुल गांधी का नारा लग रहा है, यानी प्रधानमंत्री का उम्मीदवार कौन होगा। पटना के जंक्शन पर देख सकते हैं बिहारवासी मौजूद है, काफ़ी लोग यहां से प्लान करने के लिए मौजूद है, काफ़ी लोग दूर राज्य में कमाने के लिए भी जाते हैं। जानेंगे ये किस नेता को पसंद करते हैं और किस नेता को और क्यों वोट देंगे। किसको वोट दीजिएगा? हम मोदी को देंगे। मोदी को क्यों दीजिएगा? मोदी हमारे लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, लोग के लिए अच्छा कर ले। क्या किया ये बताइए? यहाँ देखिए अथी बनाए हैं, जहाँ हम लोग जाते थे है ना, मुंगेर पुल देख लीजिए, मुंगेर पुल देख लीजिए, देख लीजिए। एक बीमार घर में जो पड़ता है दो रुपये खातिर तरस जाता है, आज 5 लाख रुपया मोदी जी फ्री दिया है। और एक मुंगेर चल जाइए, आज से 6 महीना दो साल पहले गए थे, नाव पर चढ़े थे अंदर गेट पर, हाथ देख उठा फेंक दिया था, आज उस पुल पे टपने के लिए 2 मिनट से 3 मिनट लोग ये कह रहे हैं कि मोदी जी रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, प्राइवेटीकरण कर रहे हैं लगातार सब चीज़। देखिए उसमें विकास होगा, ज़्यादा बढ़ेगा, मतलब इंडिया नंबर वन पर आएगा। वो अपना सोच समझ के कर रहे हैं जो भी। रोजगार के लिए मोदी जी ने क्या कुछ किया है? रोजगार के लिए अच्छा युवा को रोजगार दे रहे हैं, भारतीय सेना में अग्निवीर निकाला है, देख लीजिए। जहाँ 2 जाता था वहाँ पे 4 जाता है अग्निवीर। हाँ तो नौकरी 4 साल का है? हाँ 4 साल का है, तो 4 के घर में दिया जल रहा है भाई। गरीब के घर में जब कुछ मिलेगा तब तो ये दिवाली बनेगा ना। मतलब आप मोदी जी को वोट दीजिएगा? देंगे अभी, बिल्कुल देंगे भाई। आप किसको दीजिएगा? मोदी जी को। मोदी मोदी जी को दीजिएगा? क्यों दीजिएगा? मोदी जी अच्छा लोग, अच्छा काम करते हैं, अच्छा आदमी है, उसके बाद अलग है। किस आधार पे वोट दीजिएगा बात ये है?
हो गया था। आज से 10 साल पहले चल जाइए घर, पहले गांव कुशवा चल जाइए। किसको बाहर निकलना मुश्किल था सर, बाहर निकलना मुश्किल था, लाद देना मुश्किल था। आज 1 बजे रात के भी घर पहुंचते हैं तो माँ मेरी। नीतीश कुमार का देन है, नीतीश कुमार ये पूरा भारत का मतलब है, नीतीश कुमार का सरकार। चलिए नीतीश कुमार का देन है, मान लीजिए नीतीश कुमार, आप नीतीश कुमार को नहीं चाहते प्रधानमंत्री बने? उससे पहले तो राष्ट्रीय जनता दल का सरकार था ना, उसके उसके अथी में था ना, मतलब कि पूरा जंगल राज। आज जंगल राज के बैठ के गोदी में क्या कर रहा मंगल राज, क्या कर रहा मंगल राज ने कर रहा। वो आरजेडी से मिलके इसलिए वोट नहीं दीजिए? हाँ, इसी नहीं देंगे, बिल्कुल नहीं देंगे। किसको वोट दीजिएगा चाचा? मोदी को। मोदी जी, मोदी जी को क्यों दीजिएगा? अरे भाई बहुत सारा काम कर रहे हैं, बहुत सारा काम। क्या काम कर दिए हैं? क्यों नहीं देखे आप इंटरनेशनल स्तर पर देखिए कि पांचवा जो है अर्थव्यवस्था हमारा इंडिया का है। जब छोड़ के गए थे 10वां अर्थव्यवस्था था, अभी 5वां अर्थव्यवस्था मैंने इंडिया का पूरे विश्व में है। अब क्या चाहिए आपको? क्या नहीं कर रहे हैं मोदी जी? हर चीज कर रहे हैं, मोदी सब कुछ कर रहे हैं। किसको वोट दीजिएगा भाई? मोदी जी को। मोदी क्यों दीजिएगा? बस वही हमारे लिए तो हिंदुत्व एक मुद्दा है बहुत बड़ा, जो हिंदुत्व के बहुत बड़े प्रचारक हैं मोदी जी और योगी जी, जिसे हमारे लिए और कुछ नहीं चाहिए। बाद बाकी भाई रोजगार की, रोटी मकान रोजगार कुछ नहीं चाहिए। बात सुनिए, स्किल की बात है, स्किल अगर हमारे पास है तो रोजगार की कमी हमारे पास नहीं है। तो बिहार में भी मेरे पास रोजगार है क्योंकि मेरे पास स्किल है, तो हम काम करते हैं और बिहार में ही जॉब करते हैं। तो और बात बाकी रही हिंदुत्व की बात, हमारे धर्म की बात, जो सनातन धर्म को बचाएगा उसके लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे, चाहे वो कोई भी हो। किसको वोट दे रहे हैं? मोदी सरकार को वोट देंगे। कहे देंगे? मोदी सरकार 14 आवास दिया है हमको, हमें घर परिवार में। घर दिया आपको? घर में दिया है। अच्छा, और ये मोदी सरकार दो ठे पुल लगाया सरकार, दो पुल, कल नल मोदी सरकार दिए हैं सर। बात सुनिए, बाकी राम मंदिर भी बनवाए हैं, राम मंदिर भी बनवाए, भारत के जो कोई जनता बनवाया है नहीं बनवाया? ठीक है ठीक है। किसको भाई वोट? अब इसके 2024 में प्रधानमंत्री के तौर पर किसे देख रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को। मोदी जी को क्यों? कुछ कारण होगा इसके पीछे? वो डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ की सरकार, यहाँ की जो सरकार है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट अपनी नीतीश जी की सरकार है, वो सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक्सक्यूजेज है। और मोदी जी डेवलपमेंट की बात करते हैं, यहाँ तक कि सनातन के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है, तो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी। मतलब क्या क्या विकास किया, किन किन आधार को मानते हुए आप मोदी जी को वोट दीजिएगा? आप इकोनॉमी की बात कर लीजिए, आज देश को ऊपर उठाने में, इकोनॉमी में ऊपर उठाने में उनका बहुत बड़ा हाथ है, और एक इंडिया की ग्लोबल इमेज को बढ़ाने में भी बहुत बड़ा उनका हाथ है। जी बिल्कुल, बस और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो जिस पे बात कर सकते हैं। उनके ऊपर एक ही मुद्दा उठा है रोजगार के लेके, रोजगार वो नहीं दे पा रहे हैं लोगों के लिए, उसके लिए क्या कहेगा? तो आप टाइम दीजिएगा तो क्यों नहीं रोजगार मिलेगा? आप क्या कहते हैं स्टेट की बात कर लीजिए, नीतीश जी और लालू जी ने कौन सा रोजगार, वो ये वादे करते हैं उन्होंने कौन सा? नीतीश कुमार जो प्रधानमंत्री के लिए सही नहीं है और राहुल गांधी सही नहीं है? बिल्कुल भी, मुख्यमंत्री के लिए ही सही नहीं है पहली बात तो। जनता चुन ले रही है। किसको 2024 में देखना चाहते हैं इस बार प्रधानमंत्री? राहुल गांधी। देखिए इतने बड़े भीड़ में पहली बार राहुल गांधी के सपोर्टर मिले, लगातार सारे लोग मोदी मोदी का नारा लगा रहे थे। ये बताइए मोदी से आपको इतनी आपत्ति क्यों है? क्या कुछ उन्होंने नहीं किया? आपत्ति नहीं है सर, बेरोजगारी इतना बढ़ गया है और फिर भी हम नरेंद्र मोदी को वोट दें तो बेवकूफ ही कहलाएंगे। क्योंकि ये जिस मुद्दे को लेकर आए थे, बोले थे कि 2 साल प्रत्येक साल मतलब 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन कभी भी 1 साल का भी अगर डेटा निकाल लें 2015 से 2014 से लेके और अभी तक का, 2 करोड़ भी नौकरी नहीं दिए हैं लोग, तो हम क्यों वोट दें? राहुल गांधी क्यों? नीतीश कुमार भी हैं बहुत अच्छा मुख्यमंत्री के तौर पे, उन्होंने बिहार में काम किया है। विपक्ष के तौर पे जो भी आएगा इंडिया गठबंधन का, उसको हम लोग वोट करेंगे, मतलब चाहे मोदी के खिलाफ। जिसे नीतीश कुमार जी कहते हैं, लालू यादव कहते हैं कि इस बार मोदी जी को हटाना है, तो मोदी जी को हटाने के लिए किसी को भी वोट कर दीजिएगा अपोजिट में? अपोजिट का ये देखना है कि अपोजिट साइड किसको कैंडिडेट घोषित करता है, या तो राहुल गांधी हो या नीतीश कुमार हो। केजरीवाल भी है, ममता बनर्जी भी, वही बोल रहे हैं। अब केजरीवाल का भी अच्छा काम है, जो भी रहेंगे अपोजिट साइड का, इंडिया के साइड का, इंडिया को वोट करेंगे। वोट फॉर इंडिया, इंडिया फर्स्ट, इंडिया नहीं इंडिया। आप किसको? जी फर्स्ट राहुल गांधी, इंडिया फर्स्ट राहुल गांधी। नीतीश कुमार नहीं, केजरीवाल नहीं? जी जी राहुल गांधी इज द बेस्ट लीडर इन इंडिया। इंडिया जी, इंडिया इंडिया। आप किसको वोट कीजिएगा? राहुल गांधी ऐसा कौन सा तीर मार लिया है? कौन बनाया? क्या खड़ा है? कौन बनाया? राहुल गांधी कांग्रेस बनाया है? ये कांग्रेस बनाया है? हम ये पूछ रहे हैं, केरला में सुनिए, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए मेरी बात, सुनिए भाई साहब, पढ़े लिखे इंसान है, पढ़े लिखे इंसान है। अगर अगर आप अपने घर में
गार्जियन बनाइएगा तो पढ़े लिखे इंसान को ना बनाइएगा। जो आदमी राहुल गांधी कहते हैं इस तरफ से आलू घुसाएंगे उन्हें से सोना नहीं निकलेगा, बैल के ही नहीं बुझाता है, बैल के ही नहीं बुझाता है कि बोलना क्या है, बोलना क्या है। एक मोदी, एक मोदी, एक मोदी को हराने के लिए सारा पार्टी एक हो गया। एक मोदी सुन लीजिए, मोदी को, मोदी को हराने के लिए आई इंडिया जो किया ना, फालतू बात नहीं, फालतू बात नहीं, सुनिए ना, मोदी को हराने के लिए राहुल गांधी जो भी किया अपने परिवार के लिए किया, मोदी के परिवार में के गो है, मोदी विकास चाहिए, क्या चाहिए, बांडे कहाँ रहेगा, बांडे कहाँ रहेगा, रुको जी, क्या चाहिए, विकास चाहिए, मोदी घर में चावल गेहूँ खा रहे, बच्चा कहाँ सोगा, नमर्द है, किसको दीजिएगा वोट, नमर्द है मोदी, तुम बच्चा कहाँ सोगा कर रहा, राहुल गांधी, हाँ, वन फोर राहुल, नहीं पता है, मोदी के हराने लगी सांप जुट जाएगा, लेकिन मोदी के कोई नहीं हरा पाएगा, जानता हराएगा, नहीं लिख के देते हैं, चुनता नहीं पता है, अपने घर को कहा है चुनता, अरे भाई तर्क से जवाब देना, हल्ला करने से जीत जाइएगा, हल्ला करने जीतेगा, हल्ला करने जीतेगा, ठीक है, ठीक है, आराम से, आराम से, सुनिए नामद्र बोल रहे, नामद्र बोले ना वो, सुनिए आप एक बार बोलिए, एक दिन नामद्र आता था देश चलाता, एक पूरा देश उसका भाई जो विदेश में जाता था घोर चुके पर नाम करता है, नामद्र आता था घोर चुके पर नाम करता है, एक मिनट में आप सुनिए बोलिए, लेकिन उम्र के हिसाब से बोलो, उम्र कितना है, हिसाब है, उम्र नहीं, सच्चाई, पचास साल की उम्र में कौन बच्चा